सो मोनिकास व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज वो दिन आ ही गया है, आयुष्मान का बर्थडे है और शाम हो गई है, हम सब तैयार हो गए हैं और मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का उससे पहले। तो आयुष्मान को देखिए आप सबसे पहले। ये आयुष्मान का लुक आज का अच्छा है, अभी मैं पूरा अच्छी तरह दिखाएंगे हम। और ये रमनिका हमेशा की तरह लेट लतीफ तैयार हो रही है। और अब हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, छोटी सी पार्टी है एक हमारी गेट टुगेदर जिसमें आयु अपना फन करेगा। और ये जो मैंने देखिए सूट पहना हुआ है, कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं, अभी दिखाऊंगी मैं अच्छी तरह। और ये इयर रिंग मैं श्वेता को बोल दूं कि श्वेता देखो मैंने आज डाल लिए हैं ये, और वो भी पार्टी में आ रही है और बहुत खुश होने वाली है। जब से उसने मुझे ये दिए थे मेरे बर्थडे पर, और वो तब से यही बोल रही थी अक्टूबर से कि मैम आप कब पहनोगी कब पहनोगी, और आज वो शुभ दिन आ गया है और देखो कितने अच्छे दिन पहना है। और क्योंकि अभी तक कुछ मैचिंग हो ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ भी ऐसा पहन ही नहीं रही थी किसी भी गैदरिंग में जंगकुक कि मैं ये वाले इयर रिंग डालूँ। तेन जैसे तो विकिपीडिया और मैंने हेयर स्टाइल वैसे बनाई, एक्चुअली मेरे बाल ना थोड़े से बी आज मैंने वॉश नहीं किए हैं, मुझे मेरी करने वैसे चाहिए थे। एक्चुअली विकिपीडिया मेरी कल तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो मैं बालों को मैंने फिर छेड़ा नहीं, मैंने कहा और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम जाने वाले हैं होटल में वो करने पार्टी का अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो हो चुका है वहाँ पे, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। पर हम लोग वो है ना क्या बोलते हैं, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, होस्ट हैं तो फिर पहले जाएंगे। yes. देखो हम पहले जाते हैं या हमारे गेस्ट पहले आ जाते हैं। हमारे गेस्ट आ रहे थे और हमने अपनी पार्टी शुरू कर दी, बट एज़ यूजुअल हम वीडियो बनाना भूल गए। तो सब लोग मज़े कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और क्या, और मैं वीडियो बना रही थी। Well, Mama was doing this dramatic things every time. I don't know why. Ayu यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है। He might be confused what to do. कोई बात नहीं। तो हमने केक कट कर लिया है और नेहा मैम को जाने की जल्दी हो रही है और हम इन्हें जाने नहीं देंगे, हम इनके हस्बैंड को भी अंदर बुला के आए जो कि ये कह रही थी वो आएंगे नहीं, और मजे करेंगे, हम अभी जाने वाले नहीं है। कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला, तो यहाँ पे लोग मजे कर रही हैं ताली मार मार के। मैम अपने में ही मस्त है। आ गए हैं वापस, आ चुके हैं और थक चुके हैं बहुत। ऊपर चलते तो फाइनली हम घर पर आ गए हैं, वो हम बोल चुके हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो
तो अब गिफ्ट्स खोलने का टाइम आ गया है और आयु को कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये वाला आयु ने काफी दिनों पहले मंगा लिया था। सबसे पहले आया था 30th of Jan को आ गया था जबकि इसकी डिलीवरी ऐसे 2-3 तारीख की बता रखी थी। सो गुड। और हम ये ले जाना भूल गए। हाँ मैंने इस पे लिख भी रखा है एंड इवन। हाँ देखो 30 को ये तो आ गया था और तब से आयु सोच रहा है मैं कब खोलूँ, रोज रोज कहता रहता है मुझे खोलना है। तो आज फाइनली आयु का वो दिन आ गया है कि आयु इसे खोलेगा। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। अभी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अच्छे से खोलो भैया पूरा। मैग्नेट डार्ट बोर्ड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट दिस इज लुकिंग सो गुड। ये बहुत अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है बट हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसके साथ ये कितने 6 आए हैं। 6 है, 6 ये। हाँ वैसे हमारी सारी चीजें यूजुअली फ्लिपकार्ट से आती है। और 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 मेरा बैग भी दिखाओ यार, मेरे वाला गिफ्ट। और ये जो है ये मैंने आयु के लिए मंगवाया था ये बैग एंड दिस इज सो गुड। ये भी फ्लिपकार्ट से मंगाया हमने।